नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर है बहुत मशहूर, उन्होंने कहा कि मेरे नजदीक ये पाकिस्तान मेडिकल ऑर्डिनेंस जो है ये इंडियन मेडिकल ऑर्डिनेंस की एक सस्ती सी फोटोकॉपी है जो किसी सस्ती सी दुकान से की गई, जिसमें कुछ चीजें रह गई और कुछ हज़्फ कर दी गई। और एक सस्ती सी फोटोकॉपी के जरिए वही चीज अगर आप पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपने एक काउंसिल बनाई उसकी कंपोजिशन पर नजीब भाई बात करेंगे, लेकिन मैं एक चीज पूछता हूं, नौ मेंबर्स हैं काउंसिल्स के, उनमें से एक मेंबर भी पब्लिक सेक्टर का नहीं है, क्यों? आपके पास सारे के सारे ब्रिलियंट माइंड्स आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है, आपके पास पब्लिक सेक्टर में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो वहां पर खड़ा होकर हमारे लिए आवाज उठा सके और ये कह सके कि जिस आदमी ने मैट्रिक को टॉप किया, एफएससी को टॉप किया, ईटा को टॉप किया, एंट्री टेस्ट को टॉप किया, पांच प्रॉफ दिए, उसके बाद आप उसे कहते हैं कि आप और कोई टेस्ट भी दें, और जो लोग इन सारे मरहलों में नाकाम हुए, इन नौ स्टेजेस में नाकाम हुए और पैसे के जोर पर आज आपके साथ खड़े हैं, ये लोग आपसे चाहते हैं कि आप और वो एक ही जगह पर खड़े होकर एक ही टेस्ट के लिए बैठे, एक ही सिस्टम में एंटर हो, तो क्या आप लोगों को ये तैयार है? काउंसिल में एमिनेंट पर्सनैलिटीज को एंटर किया गया, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक फर्क है कि अमेरिका की एमिनेंट पर्सनैलिटी और हमारे यहाँ एमिनेंट पर्सनैलिटी में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ एमिनेंट पर्सनैलिटी किसको कहते हैं इसकी वजाहत में नहीं जाता, लेकिन हम ये समझते हैं कि नॉन टेक्निकल पीपल विल सिट इन अ काउंसिल, इट विल बी पोलिटिकल, इट विल बी डिक्टेटोरियल, एंड इट विल बी इन्फिल्ट्रेशन इन टू द काउंसिल दैट विल लीड टू अ डिसबैलेंस इन द राइट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ग्रेजुएट्स। आपने प्राइवेट माफिया को मुकम्मल इख्तियार दिया, आपने उन्हें कहा अपनी मर्जी का फी शेड्यूल बनाइए, आपने उन्हें कहा कि अपनी मर्जी की सीट रेगुलेशन बनाइए। आज तक हर मेडिकल कॉलेज पीएमडीसी टाइम मुतय्यन करता था कि आप इतनी सीटों पर एडमिशन करेंगे, इससे ज्यादा आप एडमिशन नहीं करेंगे। इस वक्त हजरत अकबर भाई ने आपके सामने एक बात की कि 350 सीटें जो इंडक्शन की टॉप की थी उसमें बहुत कम पब्लिक सेक्टर थे। ये उस वक्त का हाल है जब प्राइवेट सेक्टर 50, 60, 70 और 100 ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है। जब कल को ये 300 ग्रेजुएट प्रोड्यूस करेंगे तो आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इस वक्त अगर आप डीआई खान में तो शायद उस दिन आपको तोरखम से उस तरफ भेज दिया जाए। आप इस चीज के लिए तैयार हैं? आपने हमसे मैट्रिक लिया, मैट्रिक में हमने दो एग्जाम दिए, एफएससी में दो, चार फ्री एंट्री टेस्ट दिया, हो गए पांच, उसके बाद पांच प्रॉफ हो गए 10, फिर आप मुझसे सीबीएस का टेस्ट लेते हो गए 11। आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस एनएलई में ऐसा खास क्या होगा जो उन 11 एग्जाम्स में नहीं है? और आपने 11 से कहा 11 से 12 कर दो, कल अगर किसी और की हुकूमत आई वो मुझे कहेगा 12 से 13 कर लो, तो ये कब तक चलता रहेगा? एक वक्त आना चाहिए। आपने अमेरिका के सिस्टम की बात की, अमेरिका के सिस्टम को कॉपी करते हैं, उस पर भी डिबेट की जा सकती है कि नेशनलाइज हेल्थ सिस्टम बेहतर है या कॉर्पोरेट हेल्थ सिस्टम बेहतर है, लेकिन एक चीज है, अगर आप अमेरिका का सिस्टम ही लागू कर रहे हैं तो वहां एमबीबीएस के बाद एक टेस्ट होता है जिसे यूएसएमली कहते हैं, तीन स्टेप होते हैं, वो आपको लाइसेंस भी देते हैं और उसके बाद आपको इंडक्शन भी या रेजिडेंसी भी देते हैं। आप मुझे क्या कहते हैं, एनएलई के बाद आपको एक लाइसेंस दूंगा जिसपे आप कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम भर्ती होंगे, तो इस टेस्ट का फायदा क्या है? अगर आपने कॉपी करना है पूरी तरह कीजिए, मुझे रेजिडेंसी भी उसी चीज में दीजिए, एनएलई नहीं। आपको अगर किसी को यह लगता है कि हम एक टेस्ट से डरते हैं तो यह बात नहीं है, अगर केएमसी का ग्रेजुएट एनएलई पास नहीं करेगा तो फ्रंटियर या कोई और कॉलेज का ग्रेजुएट पास नहीं करेगा। हमारे नजदीक अब यह वक्त है कि एक चीज का तायुन हो जाना चाहिए, 70 साल में इस मुल्क में यह तायुन नहीं हुआ कि पैसे की अहमियत ज्यादा है या टैलेंट की। अब वक्त है कि इस चीज को बैठा जाए और इस चीज को असर नो तय किया जाए कि हम टैलेंट की तरफ का टैलेंट की कदर करेंगे या पैसों की कदर करेंगे। वी आर होपिंग फॉर अ रीजनेबल डायलॉग, द डायलॉग इज नॉट अ साइन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज आर स्टांस एट एनी कॉस्ट व्हाटसोएवर इट मे कॉज अस, बट इट इज अ सिंसियर एफर्ट हुकूमत तक है कि वो हमारे हकूक हमें मुजाकरात की टेबल पर देती है या पिशावर की सड़कों पर, हम चाहते हैं कि मुजाकरात की मेज पर दें और उसके लिए उम्मीद भी रखते हैं, और ये सारे लोग इस वक्त इसीलिए यहां मौजूद है कि एक लॉजिकल तरीके से इस मसले का हल निकाला जाए। आपको बहुत